डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ आपकी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। आप मुझे सपोर्ट करेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करके। तो दिस इज़ अब्बास रज़ा और हम सेकंड ईयर का मैथ कर रहे हैं। एक्सरसाइज आज हमारे पास 2.8 है और इसमें हमारे पास दिया गया है मैकलेरिन सीरीज और फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग इंटू 1 प्लस एक्स है इट्स इक्वल एक्स मनफी एक्स स्केयर ओवर 2 प्लस एक्स की क्यूब ओवर 3 मनफी एक्स की 4 ओवर 4 प्लस सो ऑन है। तो हमारे पास इसमें मैकलेरिन सीरीज़ क्या है, तो पहले उसके बारे में मैं आपको थोड़े सा बता दूं कि मैकलेरिन सीरीज़ हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इट्स इक्वल एक्स इंटू फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डैश, लेकिन ये एक्स नहीं यहाँ पर, ये ज़ीरो है, और प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ 0 और नीचे होगा 2 का फैक्टोरियल और प्लस एक्स क्यूब एफ डबल ट्रिपल डैश इट्स मीन 3 आर्डर जो डेरिवेटर एंड प्लस सो ऑन। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी एफ ऑफ 0 इंटू प्लस एक्स एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ 0 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स 3 एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 ओवर 3 का फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन कंटिन्यू रहेगी। तो ये क्या है, मैकलेरिन सीरीज़ है। तो मैकलेरिन सीरीज़ हमारे पास आप लोग याद रखिएगा कि हमें इसके मुताबिक क्या करना पड़ेगा, इसके मुताबिक हमें वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी और फिर हमने क्या कर देना है, वैल्यूज़ निकालने के बाद इसमें पुट करेंगे मैकलेरिन सीरीज़ के अंदर, तो जो प्रूफ उसने हमें कहा है वो प्रूफ हम निकाल लेंगे। इसलिए आप लोग इस मैकलेरिन सीरीज़ को अपने जहन में रखिएगा ताकि आप लोग आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो देखिए हमारे मुताबिक उसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, जो चीज़ें दी गई हुई है हम उसमें से लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है, क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स लॉग इंटू 1 प्लस एक्स है, ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वो वैल्यू क्या है, लॉग इंटू 1 प्लस एक्स है। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, एफ ऑफ 0। तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, एफ ऑफ 0 लॉग 1 प्लस एक्स की जगह पे 0, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ 0 इट्स इक्वल लॉग 1 और आपको पता होगा कि लॉग 1 की वैल्यू क्या आती है, 0। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आ गई है, आप लोग इस फर्स्ट वैल्यू के लिए एफ ऑफ 0 इसे ब्लॉक के अंदर लिख लें ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई और हम उसमें पुट करेंगे, अंडरस्टैंड। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें उसका डेरिवेटर चाहिए, तो इसका आप डेरिवेटर लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटर क्या आएगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स, और आपको पता है कि 1 प्लस एक्स की जगह पे दोबारा एक्स का डेरिवेटर लिया तो 1, इसलिए एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि फर्स्ट डेरिवेटर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पे हमें क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एक्स की जगह पे हमें 0 पुट करना पड़ेगा। तो देखें हमारे पास इसकी जगह पर हम 0 पुट करेंगे और 0 पुट करने के बाद ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस 0 और हमारे पास 1/1 है, इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। ले जी हमारे पास जो सेकंड वैल्यू यानी कि फर्स्ट डेरिवेटर वो क्या आ गया है, 1, अंडरस्टैंड। आगे देखें हमारे पास हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमने सेकंड डेरिवेटर ले लिया, तो इसका अगर हम सेकंड डेरिवेटर लेंगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये इसका क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटर। यहाँ पर कोई भी नई चीज़ नहीं है, इस वजह से आप लोग ये तमाम 2.6 तक ये लॉगरिथम जो फंक्शंस है वो पढ़ के आए हैं, इसलिए इसका आंसर माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, आप लोग वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह पे 0 और इधर क्या आ जाएगा, मनफी 1 प्लस 0 का स्केयर और आगे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो 2 और इसके बाद एक और वैल्यू हम निकाल लेते हैं, जो थर्ड वैल्यूज है वो क्या है हमारे पास, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स पहले निकालेंगे, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इट्स इक्वल क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाकर
माइनस है, माइनस टू आ गया, और वन ओवर वन प्लस एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, थ्री। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स तो मनफी मनफी प्लस, और टू ओवर वन प्लस एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, थ्री। अब एक्स की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, ज़ीरो, और इस वजह से नीचे आ जाएगा वन प्लस ज़ीरो की क्यूब, और क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास टू बच गया। लें जी, हमारे पास ये थ्री वैल्यूज निकाली हमने। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, इसको हम इक्वेशन वन लिख लीजिएगा, और आप लोग इक्वेशन वन के अंदर मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर हमने वो वैल्यूज़ क्या कर देनी, पुट कर देनी। और कितना ये इजी है कि सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स। एफ ऑफ ज़ीरो की जगह पे हमारे पास क्या है, ज़ीरो, तो उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ओनली ज़ीरो। प्लस एक्स सेम रहा, एफ ऑफ एफ डैश ऑफ ज़ीरो, इसकी जगह पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, उसकी जगह पे हमारे पास वन है। प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, डबल डैश ऑफ ज़ीरो क्या है, माइनस वन, इसकी जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस वन, और नीचे क्या आएगा, टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स की थ्री। एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, उसकी जगह पे क्या हमारे पास वैल्यू निकल आई है, उसकी जगह पे टू, और फिर नीचे क्या है, थ्री का फैक्टोरियल, और प्लस क्या हो जाएगा, सॉन। अब इसको क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई कर लें, लॉग वन प्लस एक्स इट्स इक्वल एक्स, माइनस स्टार्ट में आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओनली टू, फिर उसके बाद आगे प्लस एक्स की थ्री एंड टू, थ्री का फैक्टोरियल थ्री टू एंड वन, और प्लस आगे अगर वैल्यू फोर की लिखनी हो तो लिख सकते हैं, वही वैल्यू आएगी, क्योंकि बाकी अगर आपकी तीन वही वैल्यू आ गई तो आपकी फोर्थ वैल्यू भी वही आएगी जो दी हुई है। लॉग वन प्लस एक्स है, एक्स मनफी एक्स स्क्वायर ओवर टू, टू टू से चला गया, एक्स की थ्री ओवर थ्री, माइनस एक्स की फोर एंड फोर, एंड प्लस ऑन, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, प्रूव्ड। तो देख सकते हैं कि हमारे पास जो उसने पूछा था, हमारे पास वो वैल्यूज़ निकल आई हुई है, लॉग वन प्लस एक्स, एक्स मनफी एक्स स्क्वायर ओवर टू, प्लस एक्स की थ्री ओवर थ्री, मनफी एक्स की फोर ओवर फोर, प्लस सॉन। उम्मीद है अगर आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोगों ने मुझे कमेंट लाजमी कर देना है जी। हम पार्ट नंबर टू करेंगे, 2.8 एक्सरसाइज का, कॉस एक्स इट्स इक्वल वन मनफी एक्स स्क्वायर ओवर टू का फैक्टोरियल, प्लस एक्स की फोर ओवर फोर का फैक्टोरियल, मनफी एक्स की सिक्स ओवर सिक्स का फैक्टोरियल। तो ये भी हमारे पास फैक्टोरियल की साइन है, तो मैक्लॉरिन सीरीज के साथ करना है। मैक्लॉरिन सीरीज क्या है, एफ ऑफ एक्स इट्स इक्वल एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स, एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स की थ्री, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो थ्री का फैक्टोरियल प्लस इसी तरह एक्स की फोर, एंड आगे फोर्थ एफ फोर्थ ऑफ ज़ीरो, और नीचे फोर का फैक्टोरियल एंड प्लस सॉन हमारे पास आ जाएगा। तो इसके मुताबिक देखें हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल दिया गया है, कॉज ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है जी, कॉज के। तो हमारे पास पहला क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो, इसका मतलब हमें एक्स की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, फर्स्ट वैल्यू एफ ऑफ ज़ीरो कॉज ऑफ ज़ीरो, और आपको पता है कि कॉज ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल होता है, वन के। इसलिए हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी आ गई है, वन। ठीक है जी, अब दूसरा लेंगे हम एफ डैश ऑफ एक्स है, तो इसका लिया तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। डैश ऑफ एक्स की जगह पे हम क्या लेंगे, अब एक्स की जगह पे ज़ीरो, और साइन ज़ीरो किसके इक्वल होता है जी, वो ज़ीरो के ही इक्वल होता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड वैल्यू। ठीक है जी, हम इसके बाद क्या लेंगे, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, डबल डैश ऑफ एक्स लेंगे पहले, ये माइनस का कॉज एक्स आएगा। अब क्या लिया जाएगा, इसकी जगह पे ज़ीरो और माइनस कॉज ऑफ ज़ीरो, तो कॉज ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आता है जी, वन के। ले जी, ये हमारे पास इसकी थर्ड वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक दो हम और निकाल लेंगे प्रूफ के मुताबिक। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इट्स इक्वल
मनफी कॉज एक्स है तो इसका क्या आ जाएगा, मनफी साइन एक्स, तो मनफी मनफी क्या हो जाएगा प्लस। एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो तो साइन ऑफ ज़ीरो, और साइन ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल होते हैं जी, ज़ीरो के। लें जी, इसका मतलब हमारे पास पहले एक वैल्यू ज़ीरो आ रही है और एक वैल्यू हमारे पास वन आ रही है। इसके बाद क्या लेंगे, एफ फोर्थ ऑफ एक्स, साइन का क्या आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स, और अब क्या लेंगे ज़ीरो, और आपको पता है कि इसका ज़ीरो वन के इक्वल है इसलिए ये वन आ जाएगा। और इसी तरह हम क्या कर लेंगे, एफ जो फिफ्थ हमारे पास लें जी, ये हमारे पास इसी तरह क्या चलता जाएगा, सो ऑन चलता जाएगा। एक वैल्यू और ले लेते हैं, एफ फिफ्थ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ फिफ्थ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा, ये फोर्थ है माइनस का साइन एक्स, और एफ ये जो फिफ्थ ऑफ ज़ीरो वो क्या आ जाएगा, वो भी ज़ीरो। फिर एफ हमारे पास ये सिक्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, माइनस का कॉज एक्स, और ये सिक्स ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का वन के। ले जी, ये हमारे पास तमाम वैल्यूज आ गए, और इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, अब पुट कर देंगे। देखते हैं जी हमारे पास इनकी वैल्यूज क्या है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ज़ीरो क्या आया है, एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास वन है, इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे वन, एक्स सेम रहा। एफ डैश ऑफ ज़ीरो क्या है हमारे पास, ज़ीरो, इसलिए इसकी जगह पे क्या आ जाएगा ज़ीरो, एक्स स्क्वायर। एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो क्या है, वो वन, इसलिए उसकी जगह पे ये माइनस का वन है क्योंकि इधर माइनस है साथ, माइनस का वन। फिर प्लस हमारे पास और नीचे टू का फैक्टोरियल, एक्स थ्री, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, तो ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो क्या है हमारे पास है, ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो ज़ीरो, और नीचे थ्री का फैक्टोरियल। फिर उसके बाद प्लस फाइव क्या है हमारे पास, एफ फाइव ऑफ ज़ीरो, तो वो भी हमारे पास एक्स की थ्री के बाद फोर, और फाइव ऑफ ज़ीरो ज़ीरो, फाइव ऑफ हमारे पास फोर, एक्स की टू, एक्स की थ्री हमारे पास थ्री ज़ीरो, और फोर हमारे पास क्या है, एक्स की फोर हमारे पास माइनस पॉजिटिव वन है, और नीचे क्या है हमारे पास फोर का फैक्टोरियल, और आगे हम क्या कर देते हैं, सो ऑन कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स है ये वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको फैक्टोरियल के साइन ये डाल लेते हैं, ये ज़ीरो, और ये प्लस एक्स की फोर ओवर फोर का फैक्टोरियल, और आगे बिल्कुल उसी तरह ही आ जाएगा, एक ज़ीरो आएगा और फिर उसके बाद एक्स की सिक्स ओवर सिक्स का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है, इसलिए हम लास्ट पे लिख लेंगे एक्स के टू, एक्स की फोर फोर, माइनस एक्स की सिक्स ओवर सिक्स। तो ये सो ऑन क्या आ चुका है हमारे पास, प्रूव्ड, और यही उसने पूछा था। एक और पार्ट करते हैं, और पार्ट करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन जो हो जाएगा कंप्लीट जी। इसका पार्ट नंबर हम फाइव करेंगे 2.8 एक्सरसाइज का, और इसके बाद फिर जो दो पार्ट रह जाएंगे वो आप लोग कर लीजिएगा। तो पार्ट नंबर फाइव में e की 2x इट्स इक्वल 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस 8x की क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन है। तो यूज़ क्या हो रही है, मैक्लॉरिन सीरीज़ हमारे पास ये यूज़ हो रही है। मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या है, एफ ऑफ एक्स इट्स इक्वल एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स, एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स की थ्री, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो एंड थ्री का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन है। तो इसके मुताबिक हम क्या निकालेंगे, वैल्यू, और फंक्शन में से बाद में इसमें से वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो क्या निकली हुई हमारे पास वैल्यू, हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है जी, वो ए की टू एक्स के।
तो हमें सबसे पहले इसकी जगह पे क्या पुट करना है, हमारी जो पहली वैल्यू है वो क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो। तो आपने क्या कर देना है, ई की ज़ीरो, और ई की ज़ीरो किसके इक्वल होता है जी, वन के। तो हमारे पास पहली वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, वन आ गई। ठीक है जी, आगे एफ डैश ऑफ एक्स है, तो इसका एफ डैश ऑफ एक्स लिया तो क्या आ जाएगा, ई की टू एक्स सेम रहा और बाद में टू आ जाएगा। अब क्या लेंगे इसकी जगह पे, ज़ीरो, और जब ज़ीरो लिया तो हमारे पास ए की ज़ीरो एंड टू, तो क्या आ जाएगा, ओनली टू, ओनली हमारे पास ये टू आ गया। तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो हमारे पास टू आ चुका है। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेंगे पहले, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया ए की 2x, ये 2 पहले 2 दोबारा आया तो कितना आ जाएगा, 4। और अब क्या करेंगे, डबल डैश ऑफ 0, ए की 0 एंड 4, तो डबल डैश ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 4। ले जी, इसके बाद किसकी बारी है, हमारे पास है ट्रिपल डैश एफ ट्रिपल डैश ऑफ x, क्या आ जाएगा ट्रिपल डैश, इसका लिया तो ए की 2x और 4 पहले ही है तो दोबारा 2x का डेरिवेटिव लिया तो क्या आ जाएगा, 2, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 8। एफ डबल ट्रिपल डैश ऑफ 0 आ जाएगा, ए की 0 एंड 8, तो क्या आ जाएगा, ट्रिपल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 8। तो तीनों वैल्यूज हमारे पास जो रिक्वायर्ड थी, 4 वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमने मैकलॉरिन सीरीज के अंदर पुट कर देनी, तो देखें एफ ऑफ एक्स है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ एक्स, एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, 1, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1, एक्स सेम रहा, एफ डैश ऑफ ज़ीरो, तो डैश ऑफ ज़ीरो क्या है हमारे पास, 2, इधर आ जाएगा 2, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो क्या आ जाएगा, वो है हमारे पास 4, एक्स स्क्वायर 4 ओवर 2 का फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 क्या है, 8, और नीचे 3 का फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। तो ये क्या आ जाएगा, ए की 2x 1 प्लस 2x 4x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, 8x की 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। तो हमारे पास यही प्रूफ है जो उसने मांगा है, वो हमारे पास प्रूफ आ चुका है, इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम टेलर सीरीज का कुछ जिक्र करेंगे और बताएंगे उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।